किड्स भक्ति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और YouTube ऐप पर बेल आइकन को प्रेस करें। देखो बालक, मेरी बात मानोगे तो तुम्हें पुरस्कार दूंगा। पुरस्कार का लालच देकर आप मुझे बहलाना चाहते हैं? ये आपको शोभा नहीं देता ब्रह्मदेव। मुझे दीक्षा मत दो बालक, हट जाओ नहीं तो। आप डराने लगे, परंतु मैं डरने वाला नहीं हूँ। इसे वश में करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ेगा, तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा। इस बालक पर ब्रह्मास्त्र चलाना ठीक नहीं होगा। होने वाला है। क्या हुआ प्रभु, आप विचलित क्यों हो गए? सब कुशल तो है ना? देवी, भगवान शंकर का क्रोध चरम सीमा पर है और वो तांडव कर रहे हैं। शिव शंकर तांडव कर रहे हैं? तब तो अवश्य ही कोई घोर विपत्ति आने वाली है। हाँ, हमें जल्द ही उनको शांत करने के लिए कैलाश पर जाना होगा। प्रभु, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, इसी बहाने बहन पार्वती से भी मिल लूंगी। Thank you.
स्वामी ने मेरे पुत्र का वध कर दिया। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, क्या किया प्राणनाथ? क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया और आप सब देवगण चुपचाप खड़े ये तमाशा देखते रहे। किसी को इस नादान बालक पर दया नहीं आई? क्या एक नन्हे से बालक को हराना इतना जरूरी था कि सभी देवता यहाँ इकट्ठे हुए हैं? बोलिए, आप सब चुप क्यों हैं? शांत हो गया आपका क्रोध इस नन्हे से बालक के प्राण लेकर? नहीं हुआ तो मेरे भी प्राण ले लीजिए। मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए जीवित। आपको इसे प्राण दान देना होगा, अन्यथा मैं भी यहीं प्राण त्याग दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं देवी? मैं न्याय मांग रही हूँ। मेरा पुत्र निर्दोष था, वो मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था। क्षमा करें देवी, ये असंभव है। तो मेरा जीवित रहना भी असंभव है। यदि इसी समय मेरे पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। आपने क्रोधवश अपने ही पुत्र का वध कर दिया भोलेनाथ। अब आपको देवी पार्वती का आग्रह स्वीकार कर बालक गणेश को जीवन दान देना ही होगा, अन्यथा उनकी क्रोध की अग्नि सारी सृष्टि को तहस नहस कर देगी।